नारायण सिंह मुख्य एसएस कार्यकर्ता के रूप में सन 1990 में जब मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना भीम पाठक के चौड़ा में हुई, उस समय मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी था। उस समय से एमकेएसएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से ही मेरी राजनीति में जाने की इच्छा थी। मैं सन 92 में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा न्यूनतम मजदूरी आंदोलन 91 में जुड़ा और 92 में मैं खुद एक मजदूरी के मामले में न्यूनतम मजदूरी की धरना भीम एसडी मोदी के साथ बाहर दिया, जिसमें मैं और देवीलाल ने मिलकर 20-22 मजदूरों के साथ और एमकेएसएस के 200-250 कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और उसमें हम लोग अंत में जीत के आए, सबको न्यूनतम मजदूरी मिली। न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई आज दिन तक चल रही। उसके बाद से मेरी इच्छा हमेशा राजनीति में जाने की रही और सन 2000 में आके मैं सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें संगठन द्वारा तय किए गए 1000 रुपये चुनाव खर्च की सीमा में चुनाव लड़ा। ना दारू, ना गुड़, ना मीट, ना रुपया पैसा कहीं बांटा गया, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। उसके बाद आने के बाद हमने पूरी पंचायत में वरीयता सूची के आधार पर गरीब एवं पात्र लोगों की योजना, व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ दिया गया और समस्त पंचायत का रिकॉर्ड आम जनता के लिए खुला रखा और उसकी फोटोकॉपी करके पंचायत भवन में रखी और लोगों के लिए सारी सूचनाएँ खुली। 2003 में राजस्थान की पहली वार्ड सभा ग्राम पंचायत कुशलपुरा में धोरेला ग्राम में हुई, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण वार्ड सभाओं के माध्यम से हो पंचायत के विकास कार्यों की, वो एक ऑफिशियल आदेश के तहत धोरेला ग्राम में हुई। और एक और काम हुआ 2004 में, जाके अकाल रात कार्यों में बोरतलाई गांव नाडी निर्माण कार्य पर न्यारी नप्ती न्यारी रेट का काम चालू किया गया, जिसमें एक ही मस्टोल में 5 प्रकार की रेट आई। जब न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये थी, तब 40, 43, 48, 55 ऐसे 60 करके 5 प्रकार की रेटें आई और एक ही मस्टोल में अलग आई, जो आगे चल के नरेगा में ग्रुप सिस्टम में आज यही चल रहा है। और हम मांग करते हैं कि सरपंचों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए, सरपंचों के चेक के वित्तीय पावर कम किए जाए और ऐसे पंचायत राज को सुदृढ़ और मजबूत किया। धन्यवाद।